भागलपुर सुल्तानगंज के कसमाबाद गांव में आंगनवाड़ी केंद्र में रेफलर अस्पताल द्वारा बच्चों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। वहीं इस दौरान आरबीएस के स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद दास ने 65 से अधिक बच्चों की जांच की, जिसमें एक बच्चे के दिल में छेद की बात कहने पर उससे कन्फर्मेशन के लिए भागलपुर सदर अस्पताल भेजा गया। बता दें कि यहाँ सारी सुविधा बिहार सरकार द्वारा निःशुल्क दी जा रही है। वहीं इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के NM ललिता कुमारी, सेविका लूसी कुमारी, सहायिका नीतू कुमारी सहित कई ग्रामीण व बच्चे मौजूद रहे। आंगनवाड़ी केंद्र कसमाबाद में जांच शिविर का आयोजन किया गया था। पहले से तो पता था, लेकिन यहाँ करना अभी किया गया है, जांच किया गया उसका। नहीं, इस बच्चे के दिल में छेद है, इसको भागलपुर सदर हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। आंगनवाड़ी संख्या 173 पे बच्चे का स्वास्थ्य जांच के लिए आया हूँ। कितने बच्चे का आज जांच हुआ है? आज लगभग 65 बच्चे का जांच हुआ है, और अभी कुछ बच्चे बचे हुए हैं, उनका भी जांच किया गया। जांच करना है। अच्छा सर, जो एक दिल में छेद आया था जो बच्चे का, ये नीतीश कुमार नाम का बच्चा है। जी जी। और उनको कॉन्जेनिटल हर्ट डिजीज है, जो दिल में छेद बोल रहे हैं, उनको मैंने सदर अस्पताल रेफर किया है। आंगनवाड़ी केंद्र कसमाबाद में जांच शिविर का आयोजन किया गया था। पहले से तो पता था, लेकिन यहाँ करना अभी किया गया है, जांच किया गया उसका। नहीं, इस बच्चे के दिल में छेद है, इसको भागलपुर सदर हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। आंगनवाड़ी संख्या 173 पे बच्चे का स्वास्थ्य जांच के लिए आया हूँ। कितने बच्चे का आज जांच हुआ है? आज लगभग 65 बच्चे का जांच हुआ है, और अभी कुछ बच्चे बचे हुए हैं, उनका भी जांच किया गया। जांच करना है। अच्छा सर, जो एक दिल में छेद आया था जो बच्चे का, ये नीतीश कुमार नाम का बच्चा है। जी जी। और उनको कॉन्जेनिटल हर्ट डिजीज है, जो दिल में छेद बोल रहे हैं, उनको मैंने सदर अस्पताल।